नमस्कार। गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तबरेज सिद्दीकी। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पीएम केयर्स योजना के तहत कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों को लाभान्वित किया पीएम ने। पीएम मोदी के कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी के साथ मौजूद रहे बेसहारा बच्चे। पूरी तन्मयता से सुना पीएम मोदी का संबोधन। बेसहारा बच्चों को मुख्यमंत्री ने दिए उपहार। बोले, तनिक भी चिंता ना करें, हर पल साथ खड़ी है सरकार आप सभी के साथ। चार जून को गोरखपुर में प्रस्तावित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक। कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई व सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। सांसद रवि किशन ने यूपीएससी में सफल अर्पित गुप्ता को दी बधाई। कहा, नाज है अर्पित पर पूरे गोरखपुर को। अर्पित गुप्ता ने कहा, सफलता के लिए पढ़ाई कितनी करते हैं इससे ज्यादा जरूरी है कि रोज पढ़ें। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की 15 योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे वर्चुअल संवाद। पीएम किसान निधि की 11वीं किश्त करेंगे जारी। महामहिम राष्ट्रपति के जनपद में आगमन पर पूरे शहर को नया लुक देने की तैयारी में जुटा नगर निगम। नगर आयुक्त ने बैठक कर नगर के हर चौराहों को दुल्हन की तरह सजाने के दिए निर्देश। विकास एवं संभावना दिवस के रूप में मनाया गया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भारत सरकार के केंद्रीय संचार मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की 33वीं पुण्यतिथि। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको अर्पित किया अपनी श्रद्धा सुमन। लिया उनके सपनों को साकार करने का संकल्प। पंद्रह जून से संभावित बारिश और 4 जून को महामहिम राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने शहर के नालों के हो रहे साफ सफाई का किया निरीक्षण। कहा, शहर में नहीं होगा किसी प्रकार का जल जमाव। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की बैठक व सम्मान समारोह सकुशल हुआ संपन्न। पूर्व और वर्तमान प्रधानाचार्यों को अंग वस्त्र व शील्ड देकर किया गया सम्मानित। और सोमवती अमावस्या के शुभ संयोग में महिलाओं ने व्रत रखकर वट सावित्री की पूजा। कहा, अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है वट सावित्री का व्रत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों को सोमवार सुबह पीएम केयर्स योजना से लाभान्वित किया। पीएम मोदी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से वर्चुअल जुड़े। उनके साथ पीएम केयर्स योजना में पात्र गोरखपुर के 11 बच्चों में से 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुके पात्र भी मौजूद रहे, जबकि अन्य पात्र बच्चों को दूसरे एक कमरे में बैठाकर पीएम का संबोधन सुनाया। सीएम योगी ने पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम देखने और तन्मयता से उनका संबोधन सुनने के बाद कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों से मुलाकात की और उन्हें उपहार प्रदान किया। उपहार के साथ उन्हें पीएम मोदी की तरफ से आए स्नेह पत्र, पोस्ट ऑफिस में खुले उनके खातों के पासबुक और आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिए गए। साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से इन बच्चों को स्कूल बैग, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल व पठन सामग्री भेंट की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों से आत्मीय संवाद करते हुए उनका हालचाल जाना, पढ़ाई के बारे में पूछा। उन्हें खूब पढ़ने और खूब आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आपको अपनी पढ़ाई, भविष्य या अन्य किसी भी बात के लिए परेशान होने की तनिक भी जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र व प्रदेश की सरकार हर पल उनके साथ खड़ी है। उनके सम्मानजनक जीवन यापन से लेकर उनकी पढ़ाई तक की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। सीएम योगी ने जिलाधिकारी विजय किरण आनंद और जिला प्रमोशन अधिकारी सर्वजीत सिंह को निर्देशित किया कि इन बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। गोरखपुर में कमिश्नरी सभागार में जनप्रतिनिधियों ने पीएम मोदी का संबोधन सुना। पीएम केयर्स योजना का लाभ प्रदेश के कुल 441 बच्चों को मिला है, जिनमें गोरखपुर के 11 बच्चे भी शामिल हैं। गोरखपुर से पात्र 11 बच्चों में 2 बालिकाएं और 9 बालक हैं। इन 11 बच्चों में से
तीन की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, जबकि 8 बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के हैं। जिन बच्चों की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है उन्हें इस योजना के तहत 10 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई है, जबकि 18 वर्ष से कम आयु वाले पात्र बच्चों को पात्रता के अनुसार 4 लाख से लेकर 9 लाख रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। पीएम केयर्स योजना के धन राशि पोस्ट ऑफिस में जिलाधिकारी की गार्जियनशिप में खोले गए खातों में प्रेषित की गई। 18 वर्ष से कम आयु वाले पात्र बच्चों के 18 वर्ष के होने तक धनराशि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में जमा रहेगी, जो उनके 18 वर्ष के होने पर बढ़कर 10 लाख रुपए हो जाएंगे। 18 से 23 वर्ष की आयु तक उन्हें 10 लाख रुपए प्रति माह 5500 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे। 23 वर्ष की उम्र पूरी होने पर 10 लाख रुपये निकाले जा सकेंगे। पीएम केयर्स योजना में पात्र बच्चों को 5 लाख रुपये निःशुल्क इलाज की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड भी उपलब्ध कराया है। साथ ही जो बच्चे कक्षा 1 से 12 तक में अध्ययनरत हैं उसे पढ़ाई के लिए 20,000 रुपये की वार्षिक छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। पात्र बच्चों को केंद्र सरकार के आवासीय विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था कराई जाएगी। योगी सरकार कोरोना काल में अपने माता पिता दोनों या किसी एक को खोने वाले प्रदेश के 16,260 तथा गोरखपुर जनपद के 714 बच्चों का सहारा बनी है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रदेश के 11,049 तथा गोरखपुर के 575 ऐसे बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जिनके माता पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है। जबकि राज्य में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत 5211 और गोरखपुर के 139 बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, जिनके माता पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु कोरोना काल में किसी अन्य कारणों से हुई है। तो गोरखपुर में कोरोना काल में बेसहारा हुए और कक्षा 9 या इससे ऊपर की पढ़ाई करने वाले 116 बच्चों को योगी सरकार लैपटॉप भी प्रदान कर चुकी है। गोरखपुर में कमिश्नरी सभागार में जनप्रतिनिधियों ने पीएम मोदी का संबोधन सुना। योगी सरकार कोरोना काल में अपने माता पिता दोनों या किसी एक को खोने वाले प्रदेश के 16,260 तथा गोरखपुर जनपद के 714 बच्चों का सहारा बनी है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत प्रदेश के 11,049 तथा गोरखपुर के 575 ऐसे बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जिनके माता पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु कोरोना के कारण हुई। जबकि राज्य में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 5211 और गोरखपुर के 139 बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, जिनके माता पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु कोरोना काल में किसी अन्य कारणों से हुई है। तो गोरखपुर में कोरोना काल में बेसहारा हुए और कक्षा 9 या इससे ऊपर की पढ़ाई करने वाले 116 बच्चों को योगी सरकार लैपटॉप भी प्रदान कर चुकी है। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान, अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह और जिलाधिकारी विजय किरण आनंद एवं सदर सांसद रवि किशन ने कहा। चाहे वो शिक्षा हो, सामाजिक न्याय हो, कृषि हो, वाणिज्य हो, आपकी सरकार का ऐसा कोई विभाग नहीं जो उपलब्धियों का उत्सव ना मना। हमें सर्वप्रथम चिंता की समय दिया देश के बच्चों, क्योंकि आपकी सरकार सत्ता के अहंकार से नहीं सेवा के स्वभाव से चल रही है। विश्व ने किया जब कोविड की महामारी से जूझते 80 करोड़ नागरिकों ने 25 महीने मुफ्त का राशन पाया। आपकी सरकार का सामर्थ्य दुनिया ने स्वीकारा जब राष्ट्र में निर्मित वैक्सीन 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों तक पहुंची। लेकिन इस प्रशासनिक संकल्प में शायद ही किसी का ध्यान इस बात की ओर गया हो कि देश के प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय गत एक वर्ष से देश में 4,345 बच्चों का संरक्षण स्वयं कर रहा है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता दोनों को कोविड में खोया। हर महीने ऐसे बच्चों की आर्थिक सहायता हो, उन्हें शिक्षा मिले, वे स्वस्थ रहे, ये चिंता स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने की। इस संवेदनशीलता के साक्षी हम रहे इस विभाग में, ये हमारा सौभाग्य है। आज आपकी उपस्थिति प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संदेश है कि इस देश की धरोहर मात्र तो उसका इतिहास नहीं बल्कि उसका भविष्य है।
कि देश की पूंजी मात्र उसका खजाना नहीं बल्कि उसके बच्चे हैं। That you have led with compassion, Prime Minister, is known to everybody. It is our greatest joy. But your presence today, sir, is a message to our children that the nation cares, PM cares. ये योजना कैसे वास्तविकता में बदले? एकजुट होकर सदी की सबसे बड़ी महामारी का किया सामना, लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग बीमारी की चपेट में आकर हमें छोड़ भी गए। जो चले गए उनके पीछे परिवारों में रह गए बच्चे अकेले। नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश उनका परिवार है। उन्होंने ऐसे बच्चों की सहायता से लेकर सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि उनके परिवार के एक सदस्य के रूप में शुरू की है एक पहल। PM Cares for Children, साथ और विश्वास से भरा एक प्रयास जिसके तहत बच्चों को उनके अभिभावकों या रिश्तेदारों के संरक्षण में पहुंचाया गया है। बच्चे का कोई भी रिश्तेदार न होने की स्थिति में उसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन तक पहुंचाया गया है। आंगनबाड़ियां उनके संपूर्ण पोषण, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच का ख्याल रख रही है और आयुष्मान भारत योजना से 5,00,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। बच्चों के सुरक्षित संरक्षण का जिम्मा जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है। साथ ही भारत सरकार द्वारा बच्चों को छात्रवृत्ति के अलावा रहने, खाने और किताबों के लिए धनराशि दी गई है। छुट्टियों में उनके रहने की व्यवस्था उपयुक्त स्थान पर की गई है। उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन दिलाया गया है जिसके इंटरेस्ट का भुगतान PM केयर्स फंड से होगा। बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए प्रधानमंत्री कोष से मिलने वाली धनराशि को आयु अनुसार इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि बच्चे के 18 साल का होने पर होगा 10,00,000 रुपए। इसे 50,000 रुपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जानी है। 10वीं के बाद स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए कौशल प्रशिक्षण का भी प्रावधान है राशि दी गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मंत्रालय अपने आगे सबके सोचा सामूहिक बीच में काम नहीं देते हैं। अरे वो जिलाधिकारियों से आग्रह है कि वो बच्चों को हमारे महानुभाव जो उपस्थित हैं उनके शुभ हस्तों से दस्तावेज का वितरण शुरू करें। महानुभाव और प्यारे देशवासियों,
आज मैं प्रधानमंत्री के पास नहीं, आपके परिवार के एक सदस्य के तौर पर चिल्ड्रन इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हर देशवासी पूरी संवेदनशीलता से आपके साथ। मुझे संतोष है कि बच्चों की अच्छी और अबाधित पढ़ाई के लिए उनके घर के पास के ही सरकारी या फिर प्राइवेट स्कूलों में उनका एडमिशन कराया जाए। पीएम कैश के जरिए ऐसे बच्चों की कॉपी, किताबों और यूनिफॉर्म्स के खर्चों को भी उठाया जाए। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा तो पीएम कैश उसमें भी मदद करेगा। रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए अन्य योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4,000 रुपये हर महीने की व्यवस्था भी की गई है। साथियों, ऐसे बच्चे जब अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे तो आगे भविष्य के सपनों के लिए और भी पैसों की जरूरत होगी। इसके लिए 18 साल से 23 साल तक के युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड मिले और जब आप 23 साल के होंगे तब 10,00,000 रुपया एक साथ आपको मिलेंगे। साथियों, एक और बड़ी चिंता स्वास्थ्य से जुड़ी भी बनी रहती है। कभी कोई बीमारी आ गई तो इलाज के लिए पैसे चाहिए, लेकिन किसी भी बच्चे को उनके गार्जियंस उसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीएम कैश फॉर चिल्ड्रन के माध्यम से आपको आयुष्मान हेल्थ कार्ड भी दिया जाए। इस कार्ड से 5,00,000 तक के इलाज की मुफ्त सुविधा भी आप बच्चों को मिलेगी। साथियों, इन सब प्रयासों के बीच हमें एहसास है कि कई बार बच्चों को भावनात्मक सहयोग और मानसिक मार्गदर्शन की भी जरूरत पड़ सकती है। परिवार के बड़े बुजुर्ग को है ही नहीं, लेकिन एक कोशिश सरकार ने करने का प्रयास किया है। इसके लिए एक विशेष संवाद सेवा शुरू की है। संवाद हेल्पलाइन पर विशेषज्ञों से बच्चे मनोवैज्ञानिक विषयों पर सलाह ले सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते। साथियों, कोरोना वैश्विक महामारी की आंच पूरी मानवता ने सही, दुनिया का शायद ही ऐसा कोई कोना होगा जहां सदी की इस सबसे बड़ी त्रासदी ने कभी न भुलाने वाले जख्म न दिए। आपने जिस साहस और हौसले से इस संकट का सामना किया, उस हौसले के लिए मैं आप सभी को सैल्यूट करता हूं। देश की संवेदनाएं आपके साथ है और साथ ही आपके सपनों को पूरा करने के लिए पूरा देश आपके साथ है। और मैं एक बात और कहूंगा,
मैं जानता कोई भी प्रयास, कोई भी सहयोग आपके माता पिता के इस स्नेह की भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन अपने पिता के, अपनी मां के न होने पर इस संकट की घड़ी में मां भारती आप सभी बच्चों के साथ पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के जरिए देश अपनी इस जिम्मेदारी के निर्वहन की कोशिश कर रहा है और ये प्रयास किसी एक व्यक्ति, एक संस्था या सरकार का मात्र प्रयास नहीं है। पीएम केयर्स में हमारे करोड़ों देशवासियों अपनी मेहनत, अपने पसीने की कमाई को जोड़ा। आप याद करिए सेवा और त्याग के कैसे कैसे उदाहरण हमारे सामने आए। किसी ने अपने पूरे जीवन की कमाई दान कर, तो किसी ने अपने सपनों के लिए जोड़ी गई पूंजी पर लगा। इस फंड ने कोरोना काल के दौरान अस्पताल तैयार करने में, वेंटिलेटर खरीदने में, ऑक्सीजन प्लांट लगाने में बहुत मदद। इस वजह से कितने ही लोगों का जीवन बचाया जा सके, कितने ही परिवारों का भविष्य बचाया जा सके। और जो हमें असमय छोड़ गए, आज ये फंड उनके बच्चों के लिए, आप सबके भविष्य के लिए काम में आ रहा। साथियों, अभी आप सबको जीवन में एक लंबी यात्रा है। आप सभी बहुत साहस से जीवन में आई स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमारे देश में, दुनिया में जितने भी महान लोग हुए, चाहे वो हमारे देश में हो या विश्व में, उन्होंने अपने जीवन कभी न कभी अलग अलग तरह की मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो सफलता के शिखर तक पहुंचे। उन्होंने हार को कभी हताशा में नहीं बदलने, जीत का यही मंत्र आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा मार्गदर्शन करेगा, मदद करेगा, इसे कभी भूलना नहीं। एक और बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब आपके पास अच्छे बुरे सही गलत इसका भेद बताने के लिए आपके परिजन और शिक्षक ही है, इसलिए आपका दायित्व है कि उनकी बातें सुने, उनकी बातें माने। आपका एक भरोसेमंद साथी ऐसे संकट की पूरी जिंदगी में जो बहुत बड़ी मदद कर सकता है, वो अच्छी पुस्तकें भी हो सकती है। अच्छी पुस्तकों से सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता, बल्कि वो आपको मार्गदर्शन भी देती है। आपको मैं एक और सलाह दूं, साथियों, जब बीमारी आ जाए तो उपचार की जरूरत तो होती है, लेकिन जीवन उपचार से नहीं आरोग्यता से जुड़ा होना। बच्चों के लिए आज देश में
फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान चल रहा है। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम केयर फंड के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष के ऐसे बच्चों को जो जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड में हो गई थी, और ऐसे हमारे जनपद के कुल 11 बच्चे थे, इन बच्चों को, जो बच्चे 18 वर्ष से ऊपर के हो गए थे उनको तत्काल 10 लाख रुपये उनके अकाउंट में सेव कर दिए गए, और जो बच्चे अभी 18 वर्ष से कम उम्र के थे उनके अकाउंट में इस तरह से पैसा डाला गया है कि जब वो 18 वर्ष के होंगे तब वो 10 लाख रुपए हो जाएगा। 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में जब बच्चे होंगे तो उनको 5500 रुपए प्रति माह के हिसाब से, यही जो 10 लाख रुपए उनका सेव होगा, इसी से उनको स्टाइपेंड मिलेगा और ये 23 साल तक मिलेगा। जब वो 23 वर्ष के हो जाएंगे तो 10 लाख रुपए उनको ड्रॉ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी पीएम केयर फंड से दी गई हैं। इसके साथ ही साथ एक 50,000 रुपये ऐसे सभी लोगों को दिया गया था, उनमें ये बच्चे भी सम्मिलित थे। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन कार्यक्रम में आज हमारे जनपद के 11 बच्चे जिनके कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान दोनों अभिभावकों की दुखद मृत्यु हुई थी, तो उनके लिए 10 लाख के एकमुश्त धनराशि खाते में हस्तांतरित की गई है। जो 18 साल से ऊपर है उनको धनराशि सीधा हस्तांतरित हुई है, और 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको ऐसी पूंजी दी गई है जो ब्याज सहित जब वो 23 साल के हो जाएंगे तो उनको 10 लाख के धनराशि हस्तांतरित मिलेगी। साथ ही साथ उनके लिए आयुष्मान कार्ड, उनके लिए विभिन्न योजनाओं में आच्छादन के लिए व्यवस्था की गई है। उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से आज इन सभी योजनाओं के दस्तावेजों को वितरण किया गया, और उनका पूरे प्रशासनिक के सभी विभागों को अंतर विभाग के समन्वय से निरंतर उनका संरक्षण, उनको आगे शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सेवाओं के लिए सुनिश्चित करने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गोरखपुर जनपद के 11 बच्चों को 10 लाख रुपए की धनराशि उपलब्ध करवाई, और ये बच्चे 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के हैं, और इनको 4 लाख से 9 लाख रुपए की धनराशि करवाई। तो एक बच्चों के भविष्य के लिए पीएम केयर में उनकी अच्छी शिक्षा, उनकी अच्छी व्यवस्था हो, उसके लिए प्रधानमंत्री जैसे एक जीरो माइक्रो डिटेलिंग में इस देश में काम करते हैं, उसी प्रकार आज उनका ये एक बहुत ही एक सुंदर योजना रही और समस्त भारत में इसको लागू की, तो ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ रुपए का आज उन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए एक धनराशि जो दी है, जिसके लिए हम समस्त मेरे साथ यहाँ पर बांसगांव सांसद माननीय कमलेश पासवान जी भी हैं, हम सब लोग उनके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं कि जिस हिसाब से कभी ऐसा इतिहास 70 साल पहले भी कभी नहीं हुआ था कि किसी प्रधानमंत्री ने बच्चों के भविष्य के लिए एक सरकारी धनराशि का खजाना खोला, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जो देश की धरोहर है, तो बहुत ही सुखद अनुभव रहा। हम दोनों आज कमिश्नरी में यहाँ पे बैठ के आज प्रधानमंत्री जी को सुने, बड़ा आनंद आया। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे की तैयारियों को लेकर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने नगर निगम को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यक्रम स्थल व रास्ते में साफ सफाई रहे, कहीं पर भी गंदगी व कूड़ा ना रहे, डिवाइडर की रंगाई पुताई करवाई जाए, सभी चौराहों को सुंदरीकरण करवाया जाए, इसके अलावा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, सर्किट हाउस की तरफ जाने वाले रास्तों पर साफ सफाई का उचित प्रबंध हो। इस अवसर पर ADG जोन मंडलायुक्त रवि कुमार, NG जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, SSP डॉक्टर विपिन दाडा, SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, SP ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह, SP क्राइम इंदु प्रभा सिंह, CO कैंट श्याम देव बिंद, प्रशिक्षु CO प्रशाली गंगवार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जो बैराज है, बैराज
आज के आप इस सीट पे लगाई जाएंगे भारत जनता को सफाई की जा रही है और आज के बाद सी जाएंगे ब्रांड वाले को इसके साथ केवल परमिशन जनरल कमीशन जो प्रॉपर मॉनिटर उन्हीं को लगाया जाएगा पांचवा त्रिजो सब अपने वहाँ पे लामाठिनियर का जो जहाँ पे ये हेलीपैड है भी गो टू इंदिरा गांधी स्थान वहाँ भी उसको एक बार देख ले वहाँ भी रखे और देख करके अच्छे से टेन टेन थर्टी ऐसे मुखर्जी जी का फिर कार्यक्रम अयोध्या का ठीक है गाइडिंग लगानी है फर्स्ट को वो कम्प्लीट करने की बात कर रहे और ये भी नोट कर लो सुबह एक चीज और नोट कर लो कि जो आपका हरित बंद है अंबेडकर पार्क की तरफ जाने वाला वो तो एक वो पहली को सुबह सुबह 9 बजे के स्टार्ट कर दिया बी बी टेक सर बी को ठीक है सर ये चीज अभी भी आए हैं बट लोग का अनुरोध हो गया तो वो भी हो गया तो उसमें मैं कोई को दिक्कत उस तरह की इंडस्ट्री साइड से कोई बिल्कुल नहीं आप अपने डीजे में दे दीजिएगा तो शाम को लाइटअप जो है और हमने सोमवार को सिविल सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित किए गए जिसमें गोरखपुर के अर्पित गुप्ता ने भी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने इस परीक्षा में 54वीं रैंक हासिल की है। सदर सांसद रवि किशन ने उनसे मुलाकात की एवं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर वासियों की तरफ से मैं अर्पित को ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अर्पित ने कई युवाओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है। अर्पित ऐसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं। अर्पित गुप्ता ने अपनी सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि पढ़ाई कितनी करते हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि रोज़ पढ़ें। इस अवसर पर अर्पित गुप्ता ने पिता उनके परिजन और सांसद प्रतिनिधि समरेंद्र विक्रम सिंह जय यदुवंशी सांसद KPRO पवन दुबे सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन और UPSC में सफल अर्पित गुप्ता ने कहा उन्होंने इतना गौरव आज दिया है हम लोगों को समस्त गोरखपुर आज गर्व महसूस कर रहा है। मुझे महाराज जी को बड़ा गर्व हुआ उन्होंने संदेशा दिया तो हम उनसे महाराज जी के संदेशा लेके आए कि महाराज जी ने आपको बहुत साधुवाद दिया और बहुत आपने नाम किया 54 नंबर पे आके ऑल इंडिया रैंक अमेजिंग वेरी वेरी प्राइड और देखिए कि बड़ी सादगी घर परिवार से भी देखिए साधारण आपके पिताजी यहाँ खड़े हैं और ये ऐसे बच्चे हमारे सीख है सब लोगों के लिए ये सीख है। मैं सारे बच्चे जो उस वक्त मुझे गोरखपुर मंडल अगल बगल जिले उत्तर प्रदेश या भारत से देख रहे हैं ये बहुत बड़ी सीख है। आज मैं चाहूंगा तुम बताओ आप कुछ कहना चाहते थे मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं डेली 8 से 10 घंटे पढ़ता था लेकिन ज्यादा जरूरी है कि मैं डेली पढ़ता था ठीक है मतलब ज्यादा जरूरी ये नहीं है कि आप एक दिन में कितना पढ़ते हैं ज्यादा जरूरी ये है कि आप एक साल में हर दिन कितने घंटे बैठे हैं तो वो जो है बेस फॉर्म करता है। तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी जो है दैट इज द सीक्रेट टू माई सक्सेस। कैसे लगा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के 15 योजनाओं के लाभार्थियों से मंगलवार को वर्चुअल संवाद करेंगे जिसके संबंध में CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा केंद्र सरकार की तरफ से चल रही 15 योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना उज्ज्वला योजना PM किसान निधि सहित अन्य योजनाओं के देश भर के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया जाएगा जिसमें जिले स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों NXC भवन के सभागार में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा जनपद के 20 ब्लॉकों पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा जिसमें 500 से ज्यादा लोग शामिल रहेंगे जिनका नाम संवाद के लिए
गया होगा, उनसे संवाद भी करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पीएम किसान निधि के 11वीं किश्त का ऑनलाइन हस्तांतरण किया जाएगा, जिसमें गोरखपुर के 5,40,000 किसान लाभान्वित होंगे। स्वयं सहायता समूह के 1648 समूह के रिवॉल्विंग फंड भी ऑनलाइन हस्तांतरण किया जाएगा, जिसकी कुल कीमत 2,48,000 है। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, कल माननीय प्रधान जी मंत्री जी द्वारा वर्चुअल संवाद किया जाएगा। जो केंद्र सरकार की 15 स्कीमें चलाई जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, पीएम किसान निधि की तरह 15 स्कीमें हैं, उसके लाभार्थियों से जुड़ेंगे। जिले स्तर पे हम लोग एनेक्सी भवन में सारे जनप्रतिनिधियों के साथ उसमें प्रतिभाग करेंगे, और इसके साथ साथ ब्लॉकों पर, 20 ब्लॉकों पर जो हमारे ब्लॉक हैं वहाँ पर हमने अरेंजमेंट किया है, 500-500 लोग लाभार्थी आएंगे और सीधे संवाद सुनेंगे, जिससे संवाद करना वो संवाद भी होगा। इसके साथ साथ कल पीएम किसान निधि की 11वीं किस्त माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा रिलीज की जाएगी, जिसमें गोरखपुर में 5,40,000 से ऊपर जो किसान हैं लाभान्वित होंगे, और समूह जो हमारे हैं सेल्फ सहायता जो समूह है उसमें रिवॉल्विंग फंड 1648 समूह को कल ट्रांसफर किया जाएगा, जिसकी कुल कीमत 2,47,000 रुपये। सोमवार को नगर निगम के नवीन कार्यालय भवन में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में नगर में बने नालों की साफ सफाई तथा महामहिम राष्ट्रपति के आगमन को लेकर शहर को सजाने के लिए नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि शहर में सफाई कहां तक हुई है और कितनी बची है, और शहर का पानी कुछ जगहों पर रुकता है, कैसे पानी को मुख्य नालों से जोड़कर रामगढ़ताल राप्ती रोहिणी नदी में जाएगा। इस संबंध में बैठक की गई कि उन्होंने बताया कि बंधे पर लगे रेगुलेटर और पंप की साफ सफाई के लिए निर्देशित किया गया, और 4 जून को महामहिम राष्ट्रपति के जनपद में आगमन पर नगर निगम का पूरा प्रयास है कि पूरे शहर को एक नया लुक दिया जाए और पूरे शहर की साफ सफाई कराई जाए और हर चौराहों को दुल्हन की तरह सजाया जाए। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, ऐसी जितनी भी चीजें दिख रही है सब लोग भाई उसको अपना अपना देखते चले, क्योंकि राष्ट्रपति जी आने वाले साथ साथ इसकी पूरी तैयारी हमारी चलती चले। टीम में जैसे आज मैं खड़ा हो गया था तो ये लोग भी सब लोग प्लीज आ गए, धन्यवाद प्रसन्न उसकी गंदे के जूस वाले खास उसको भी डल आई है, ऐसे में अलर्ट हो कि सड़क के किनारे जो है थोड़ा उसको सफा कर सुंदर बनाने में काम जारी है, तो आप लोग सख्ती करो ना समझे। आज तो जो है मैं सुबह सुबह 10 बजे जा रहा था काली माता के मंदिर के चौराहे जो गोलंबर के ठीक ऊपर बैठ गए 8 अंका मारो सबके पीछे पीछे चाचा झंडा तो भागे सर वहाँ से ये रास्ता में जाते हैं हर बार वहाँ साला का। अबे कपड़ों आप क्यों नहीं उठा लेते अपनी गाड़ी में भर लो, तो शौचालय वाली भाई चीचर को हटा दो ना, कौन है शौचालय वाली किसका क्षेत्र है, फैमिली साथ रहते हैं यहाँ किसका क्षेत्र है, मेंटर के सामने पार्कोट ये वाली रोड सीधे वाली तो भारतीय और एक कौन है भाई, आपने मूवमेंट कम है यहाँ पर, तुम्हें कपड़ा शर्ट बनवा लो उसकी खत्म हो जाएगा वाली और क्या। एक दिन मैंने बताया था कौन कौन दोस्त है पेटीकोट गवर्नमेंट, यह होता है कि तीन तीन चार दिन में जो शहर है पहले की तुलना में काफी साफ दिख रहा है मुझे, और अगर यही मैं आज सुबह भी कर रहा था अपने ड्राइवर से भी बात कर रहा था कि अगर सब लोग चालान काटने तब हो जाओ तब देख ले मजा। आप लोग थोड़ा सा भाई मैं एक्सचेंज सर्विस करना चाहता हूँ, आप कितने हमारे बेस्ट आदमी रहते थे, उठाओ इस गाड़ी को पूरा उन्होंने भाई एक बार समझाओ दो बार गाड़ी उठा के पूरा उसमें डाल दिया जितना। अच्छा ये क्या है ईटा है 1000 ईटा उठाओ जल्दी जल्दी कर लाद दिया। जैसा कि आपको भी पता होगा कि केरल में मानसून आ चुका है और पिछले 3 दिनों से वहाँ पर बारिश हो रही है, और उसी के आधार पर मौसम वैज्ञानिकों का ये मानना है कि 10 जून से लेकर 15 जून के बीच में उत्तर प्रदेश में मानसून आ जाएगा, और उसी मानसून को देखते हुए चूँकि गोरखपुर की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है
और चूँकि ये तराई का क्षेत्र भी है तो यहाँ पर औसत से अधिक वर्षा हमेशा से होती रही है और पिछले वर्ष यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी जिसकी वजह से काफ़ी क्षेत्रों में जलमग्न हो गए थे और उसके लिए नगर निगम को काफ़ी कड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। उसी को ध्यान में रखते हुए पिछले अनुभवों से अपने सबक को लेते हुए हम लोगों ने इस बार हमारे जो टोटल 256 कुल नाले हैं बड़े मझोले और छोटों को मिलाकर हम लोगों ने अब की बार मार्च के महीने से ही तली झाड़ सफाई जो थी शुरू करा दिया था और बहुत ही ज़बरदस्त इस पर सफाई कराई गई है। आज की जो बैठक थी मुख्यतः कि सफाई की क्या पोजीशन है, कहां तक सफाई हो चुकी, कितनी बची है और कहां जहां पर हमारा पानी कुछ जगहों पर ऐसा है कि डेवलपमेंट चूँकि बहुत तेज़ी से यहां पे हो रहा है, कुछ जगहों पे लेवल की समस्या आ रही है, तो कैसे हम पानी को मुख्य नाले तक पहुँचाएँगे और मुख्य नाले से होते हुए कैसे वो रामगढ़ ताल में जाएगा या फिर राप्ती नदी में जाएगा, रोड़ी नदी में जाएगा, इस पर विचार विमर्श मुख्य रूप से किया गया। इसके साथ साथ जो हमारे बंधे पर लगे हुए हमारे पंप हैं, हमारे रेगुलेटर हैं, उन पे पंपों की सर्विसिंग, उनकी और ओवरहॉलिंग, उनकी क्या संपवेल की सफाई आदि पर डिस्कस किया गया। इसके साथ साथ जो हमारा रसूलपुर भट्टा अजय नगर में और जो ग्रीन वैली में और सूरजकुंड में जो हमारे काम चल रहे हैं जहाँ पर हम पंप की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं उसके संबंध में भी चर्चा किया। इसके साथ ही माननीय राष्ट्रपति महोदय आ रहे हैं, उनके आगमन में नगर निगम का पूरा प्रयास है कि पूरे शहर को एक नया लुक दिया जाए, पूरे शहर की साफ सफाई कराई जाए, पूरे रंग रोगन किया जाए, सजावट की जाए, उसी सब चीज़ों को लेकर एक ये बैठक हुई, समीक्षात्मक बैठक थी और इसमें सबसे ये कहा भी गया है कि आप लोग लीडरशिप के रूप में सामने आइए और अपने को उस चीज़ों को जो है जो सामने आते हुए अपनी अपनी टीम को लीड करें जिससे कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जाते जाते एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पीएम केयर्स योजना के तहत कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों को लाभान्वित किया पीएम ने। पीएम मोदी के कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े सीएम योगी, गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी के साथ मौजूद रहे बेसहारा बच्चे, पूरी तन्मयता से सुना पीएम मोदी का संबोधन। बेसहारा बच्चों को मुख्यमंत्री ने दिए उपहार, बोले तनिक भी चिंता ना करें, हर पल साथ खड़ी है सरकार आप सभी के साथ। चार जून को गोरखपुर में प्रस्तावित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक। कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई व सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। सांसद रवि किशन ने यूपीएससी में सफल अर्पित गुप्ता को दी बधाई, कहा नाज है अर्पित पर पूरे गोरखपुर को। अर्पित गुप्ता ने कहा सफलता के लिए पढ़ाई कितनी करते हैं इससे ज्यादा जरूरी है कि रोज पढ़ें। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की 15 योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे वर्चुअल संवाद। पीएम किसान निधि की 11वीं किश्त करेंगे जारी। महामहिम राष्ट्रपति के जनपद में आगमन पर पूरे शहर को नया लुक देने की तैयारी में जुटा नगर निगम। नगर आयुक्त ने बैठक कर नगर के हर चौराहों को दुल्हन की तरह सजाने के दिए निर्देश। विकास एवं संभावना दिवस के रूप में मनाया गया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भारत सरकार के केंद्रीय संचार मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की 33वीं पुण्यतिथि। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको अर्पित किया अपनी श्रद्धा सुमन, लिया उनके सपनों को साकार करने का संकल्प। पंद्रह जून से संभावित बारिश और 4 जून को महामहिम राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने शहर के नालों के हो रहे साफ सफाई का किया निरीक्षण, कहा शहर में नहीं होगा किसी प्रकार का जल जमाव। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की बैठक व सम्मान समारोह सकुशल हुआ संपन्न। पूर्व और वर्तमान प्रधानाचार्यों को अंग वस्त्र व शील्ड देकर किया गया सम्मानित। और सोमवती अमावस्या के शुभ संयोग में महिलाओं ने व्रत रखकर वट सावित्री की पूजा, कहा अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है वट सावित्री का व्रत।
पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान, डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए। दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के केंद्रीय संचार मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की 33वीं पुण्यतिथि विकास एवं संभावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर गोलघर इंदिरा बाल विहार के समक्ष स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की प्रतिमा स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पुत्र उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उपसभापति जितेंद्र बहादुर सिंह एवं विक्रम बहादुर सिंह ने संयुक्त रूप से साझा कर श्रद्धांजलि अर्पित किया और कहा कि उनके पिता स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी अपने जीवन काल में हमेशा गरीबों, असहाय लोगों एवं छात्रों की मदद और मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर एवं पूर्वांचल में विकास की गंगा बहाई और अपराधियों एवं माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई किया। जितेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि पिताजी के अधूरे सपनों को साकार करने का हम लोगों के जीवन का लक्ष्य है। महानगर में जितने भी पार्क हैं वो सभी वीर बहादुर सिंह जी की ही देन है। उनकी मंशा थी कि पूर्वांचल राज्य बनने के बाद गोरखपुर पूर्वांचल की राजधानी बने। इसी उद्देश्य को लेकर उन्होंने गोरखपुर एवं पूर्वांचल के विकास पर विशेष ध्यान दिया। इस अवसर पर हरिद्वार सिंह, सैयद अल्ताफ हुसैन, जीत बहादुर सिंह, बलवंत सिंह बघेल, गोपाल सिंह, अच्छे लाल प्रजापति, समीर राय, अवधेश यादव, धर्मेंद्र मिश्र, अंशु श्रीवास्तव, जगदीश गुप्ता, मदन निगम मुकुल श्रीवास्तव, हरिद्वार यादव, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, इरशाद अहमद, दिनेश पाल, दीपू सिंह, नितेश बलानी, सुरेश बलानी, आफताब अहमद, अरविंद सिंह, बबलू मिश्रा सहित सैकड़ों लोगों ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए क्षत्रिय महासभा के महानगर अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सैयद अल्ताफ हुसैन ने कहा, अरे पकड़े
वीर बहादुर नाम रहेगा। बहादुर सिंह जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अजर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा वीर बहादुर, वीर बहादुर नाम रहेगा। वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह राजू सिंह, अध्यक्ष महानगर क्षत्रिय महासभा गोरखपुर। आज पूर्वांचल के विकास पुरुष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय बहादुर सिंह जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है। आज हम लोग को कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि पूर्वांचल और पनीरा विधानसभा कंपेरिजन विधानसभा के घर घर में वास करने वाले, कितने परिवार को रोजी और रोटी देने वाले हम लोगों के बीच में नहीं है। आज इनके पुण्यतिथि के कार्यक्रम में इनके छोटे पुत्र विक्रम बहादुर सिंह ने माल्यार्पण करके और साथ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महानगर अध्यक्ष ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह राजू, आलोक सिंह बिसेन, नवीन सिंह गुड्डू, अशोक सिंह, नीतीश सिंह सोलंकी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता इकट्ठा होकर सदा सुमन अर्पित किए। आज का यह दिन पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही दुखमयी दिन है। आज के उस दिन जब ये घटना हुई थी, खबर आई थी, तो कितने घरों में चूल्हे नहीं जले थे। इस विकास पुरुष की भरपाई करना किसी के बस की बात नहीं है। आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपने उस महापुरुष की आत्मा के शांति के लिए माल्यार्पण करके हम लोग यही प्रयास करते हैं कि इनके अनुसरण पर आगे बढ़कर हम लोग इनके बताए हुए मार्गों पर चलें और जितना सहयोग हो सकता है अपने लोगों को सहयोग करें। सैयद अल्ताफ हुसैन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्वांचल के विकास पुरुष, भारत सरकार के केंद्रीय संचार मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज उनके जितने समर्थक उनके अनुयायी हैं वहाँ एकत्रित होकर के वीर बहादुर सिंह जी के प्रति उनको माल्यार्पण करके उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि वीर बहादुर सिंह जी ने गोरखपुर के विकास के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए जो सपना देखा था उसको साकार करने के लिए हम दिन रात प्रयास करते रहेंगे। वीर बहादुर सिंह जी ने गोरखपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल को आधुनिक रूप देने के लिए उन्होंने काम किया। रामगढ़ ताल परियोजना, गीडा परियोजना, प्रेक्षा गृह, स्पोर्ट्स कॉलेज जैसी तमाम महत्वपूर्ण परियोजनाओं योजनाओं को लागू करके उन्होंने गोरखपुर में रोजगार के अवसर दिए। गोरखपुर का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी ने किया था। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में जो काम शुरू हुए थे तमाम काम अधूरे पड़े हैं। हम चाहते हैं कि वो तमाम अधूरे काम भी जल्द से जल्द पूरे हों और ये प्रदेश सरकार से हमारी अपील है। सोमवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर बने नाले का नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने निरीक्षण किया और साफ सफाई करने का निर्देश भी दिया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि 4 जून को महामहिम राष्ट्रपति का जनपद में आगमन हो रहा है तथा उनके आगमन एवं भ्रमण कार्य को देखते हुए शहर को नगर निगम द्वारा सजाने और संवारने का कार्य किया जा रहा है। उसी संबंध में जितने नाले हैं उसकी साफ सफाई की जा रही है, क्योंकि अगले 15 जून से बारिश होने की संभावना है। शहर में किसी प्रकार की जल जमाव न होने पर
पाए, इसलिए जितने भी बड़े मझोले छोटे वाले हैं सबकी सफाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर नीस से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, उम्र बहुत ज्यादा है, जैसा कि आपके संज्ञान में है माननीय मुख्यमंत्री जी जनपद गोरखपुर में आए हुए हैं और 4 जून को माननीय राष्ट्रपति महोदय का जनपद गोरखपुर में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है और उसके साथ ही साथ उनके भ्रमण कार्यक्रम को देखते हुए पूरे शहर को, पूरे नगर निगम क्षेत्र को सजाने और संवारने का काम किया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे जितने नाले हैं उनकी तली झाड़ सफाई कराई जा रही है, क्योंकि 10 से 15 जून के बीच में मानसून के भी आने की पूरी संभावना है। उसकी वजह से कहीं पर वाटर लॉगिंग ना हो, कहीं पर जल जमाव ना हो, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारे शहर में जितने भी हमारे बड़े, मध्यम और छोटे नाले हैं सबकी हम तली झाड़ सफाई करा रहे हैं और उन्हीं का हम लोग जो है, पूरी हमारी टीम जो है सुबह 6 बजे से लेकर लगातार 12 बजे तक फील्ड पर रखे भ्रमण करती है, जिससे कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। और आज शाम को 4 बजे हमारा इसी जो वाटर लॉगिंग को लेकर एक बहुत ही बड़ी मीटिंग है, जिसमें सारे इंजीनियरिंग सेक्शन के सारे जोनल ऑफिसर, सारे सैनिटेशन से जुड़े हुए सारे ऑफिसर जो हैं मौजूद रहेंगे और उसमें इस बात की समीक्षा होगी कि कितने नाले पूरी तरह से तली झाड़ उनकी सफाई हो चुकी है और कितने नाले अभी बचे हैं जिन पे और तेज़ी से काम करना है। उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की बैठक व सम्मान समारोह MSI इंटर कॉलेज के सभागार में सकुशल संपन्न हुआ। इस दौरान जनपद के सभी रिटायर प्रधानाचार्य व वर्तमान प्रधानाचार्यों को अंग वस्त्र व शील्ड देकर सम्मानित किया गया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के जिलाध्यक्ष जफर अहमद खान ने बताया कि प्रधानाचार्य परिषद के तत्वावधान में गोरखपुर के उन प्रधानाचार्यों जिन्होंने अपनी निरंतर सेवा करते हुए 31 मार्च 2022 को अवकाश प्राप्त किया है, उन सभी प्रधानाचार्यों व उनके स्थान पर जो प्रधानाचार्य आए हैं, जिन्होंने प्रधानाचार्य का दायित्व अपने विद्यालय में निर्वहन कर रहे हैं, वो सभी प्रधानाचार्य को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष राम बहाल त्रिपाठी, जिला मंत्री डॉक्टर रविन्द्र त्रिपाठी, जिला कोषाध्यक्ष डॉक्टर गिरजेश कुमार पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर नीस से बात करते हुए उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के जिलाध्यक्ष जफर अहमद खान ने कहा, आपको भरवाना ही है चाहे जैसे भी करें, हम लोगों के पास जैसे लग रहा है कि कोई मशीन है, उस मशीन में उस सूचना को डालेंगे और तुरंत उत्तर बाहर आ जाएगा। कैसे ही होगा, जो हम लोगों के स्टाफ कार्यालय के स्टाफ है उनके साथ अलग समस्या है, वो ऑलरेडी कंप्यूटर चलाना तो दूर की बात है, कंप्यूटर छूटे ही नहीं, कंप्यूटर छूएगा नहीं, सूचना के विषय में कुछ बताएगा नहीं, प्रिंसिपल सूचना कहाँ से कार्य करेगा। यदि गलत होता है तो मेरा व्यक्तिगत सुझाव है कि अगर इसके माध्यम से कोई इस तरह का आदेश या निवेदन अगर जिला विद्यालय निरीक्षण का महोदय को दिया जाए कि जो भी कार्यालय के बाबू हैं उनको कंप्यूटर में दक्ष होने का प्रमाण पत्र देना होगा, इसके लिए उनको 2 महीने 3 महीने 4 महीने का समय दीजिए। उतने लगती है कि क्यों फीस रजिस्टर के अलावा कोई फीस नहीं लेता है,
विभिन्न विद्यालय को प्रधानाचार्य कैसे चलावे। विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, लंबी सेवा रही आपकी, इस तरह प्रधानाचार्य के रूप में आपकी प्रशासनिक कुशलता हम सबके लिए गौरव है। वो परंपरा आपके अधीन को देखते हुए, आपके अधीन का सम्मान करते हुए माध्यमिक शिक्षा के तहत आपकी परंपरा को और आगे बढ़ाने का संकल्प लेता है। आपको विश्वास जी आइए जल्दी। मैं जफर अहमद खान, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद गोरखपुर। आज उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद गोरखपुर के तत्वावधान में गोरखपुर जनपद के उन प्रधानाचार्यों जिन्होंने अपनी निरंतर सेवा करते हुए 31 मार्च 2022 को अवकाश प्राप्त किया है, उन समस्त प्रधानाचार्यों का और उनके स्थान पर जो नए प्रधानाचार्य नियुक्त हुए हैं और जिन्होंने प्रधानाचार्य का दायित्व अपने अपने विद्यालयों में ग्रहण किया है, उन तमाम प्रधानाचार्यों का उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद गोरखपुर के ओर से आज सम्मान समारोह रखा गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के जो नई कार्यकारिणी चुनी गई है उसमें गोरखपुर जनपद के प्रधानाचार्य जो उस संगठन में विभिन्न पदों पर आसीन हुए हैं, जैसे डॉक्टर रविंद्र त्रिपाठी प्रदेशीय महामंत्री, श्रीमती रीता श्रीवास्तव प्रदेशीय संयुक्त मंत्री, डॉक्टर आर बी सिंह संयुक्त मंत्री, डॉक्टर दिनेश मणि त्रिपाठी उपाध्यक्ष और वाचस्पति शुक्ला जो उस कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इन तमाम लोगों को भी आज गोरखपुर प्रधानाचार्य परिषद अपनी ओर से सम्मानित करेगा। सोमवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में सोमवती अमावस्या शुभ संयोग में महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत की पूजा की। सुहागनी महिलाएं 16 सिंगार में सज धज कर वट सावित्री व्रत में पूजा अर्चना की। सोमवती अमावस्या के दिन पड़ने वाले इस व्रत सुबह से ही महिलाएं मंदिरों में पूजा करते हुए दिखे और वट वृक्ष में कच्चा सूत बांध कर अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ रहने की प्रार्थना की। आपको बता दें कि वट वृक्ष में भगवान विष्णु शिव का निवास होता है, इसलिए इस वृक्ष की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वट वृक्ष की छांव में ही देवी सावित्री ने अपने पति को पुनः जीवित किया था। इसी मान्यता के आधार पर स्त्रियाँ अचल सुहाग की प्राप्ति के लिए इस दिन बरगद के वृक्षों की पूजा करती हैं। इसके संबंध में पूजा करने आई महिलाओं ने बताया कि सोमवती अमावस्या पर पति के लिए व्रत रखते हैं और भगवान वासुदेव जी जो भंवरी देते हैं, उन्होंने बताया कि अपने पति के लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए पूजा करने आई महिलाएं संध्या आशा एवं पुष्पा गुप्ता ने कहा। भाई
तुम फेंको, लेना नहीं था माता। पुष्पा गुप्ता, आज पति का है, परिक्रमा करके आप पूजा करके उसके बाद अपना पारण करने जाता है। क्या चीज़ पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हैं। आशा ये सोमावरी अमावस्या है, पति के लिए व्रत रखते हैं लोग और भौरी देते हैं वासुदेव जी का, उनकी पूजा करते हैं लंबी आयु के लिए पति के। पूजा में किस तरह की पूजा, क्या क्या किया जाता है? पहला बार में पान का पत्ता और धान से देते हैं, पूरा श्रृंगार का सामान रहता है, पूरा कपड़ा रहता है माता जी का, वही चढ़ा करके भौरी देते हैं। संध्या आशा है, इसमें अपने पति की लंबी आयु के लिए सब लोग मतलब व्रत करते हैं, सुबह में भौरी देते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं 5 बार और फिर माता जी का मतलब श्रृंगार का सामान रहता है, सब कुछ करने के बाद उसके बाद दिया कपूर अगरबत्ती जो भी है जला के फल फूल दक्षिणा दे के और भौरी का मतलब करके उसके बाद पारण किया जाता है घर जाकर। बस लपति की लंबी आयु के लिए ही मतलब ये व्रत है। जाते जाते एक नज़र हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। पीएम केयर्स योजना के तहत कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों को लाभान्वित किया पीएम ने। पीएम मोदी के कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े सीएम योगी, गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी के साथ मौजूद रहे बेसहारा बच्चे, पूरी तन्मयता से सुना पीएम मोदी का संबोधन। बेसहारा बच्चों को मुख्यमंत्री ने दिए उपहार, बोले तनिक भी चिंता ना करें, हर पल साथ खड़ी है सरकार आप सभी के साथ। चार जून को गोरखपुर में प्रस्तावित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे को लेकर मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक। कार्यक्रम स्थल पर साफ सफाई व सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। सांसद रवि किशन ने यूपीएससी में सफल अर्पित गुप्ता को दी बधाई, कहा नाज है अर्पित पर पूरे गोरखपुर को। अर्पित गुप्ता ने कहा सफलता के लिए पढ़ाई कितनी करते हैं इससे ज्यादा जरूरी है कि रोज पढ़ें। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की 15 योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे वर्चुअल संवाद। पीएम किसान निधि की 11वीं किश्त करेंगे जारी। महामहिम राष्ट्रपति के जनपद में आगमन पर पूरे शहर को नया लुक देने की तैयारी में जुटा नगर निगम। नगर आयुक्त ने बैठक कर नगर के हर चौराहों को दुल्हन की तरह सजाने के दिए निर्देश। विकास एवं संभावना दिवस के रूप में मनाया गया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भारत सरकार के केंद्रीय संचार मंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की 33वीं पुण्यतिथि। उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको अर्पित किया अपनी श्रद्धा सुमन, लिया उनके सपनों को साकार करने का संकल्प। पंद्रह जून से संभावित बारिश और 4 जून को महामहिम राष्ट्रपति के आगमन के मद्देनजर नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने शहर के नालों के हो रहे साफ सफाई का किया निरीक्षण, कहा शहर में नहीं होगा किसी प्रकार का जल जमाव।
उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद की बैठक व सम्मान समारोह सकुशल हुआ संपन्न। पूर्व और वर्तमान प्रधानाचार्यों को अंग वस्त्र व शील्ड देकर किया गया सम्मानित। और सोमवती अमावस्या के शुभ संयोग में महिलाओं ने व्रत रखकर वट सावित्री की पूजा। कहा, अपने पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है वट सावित्री का व्रत। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।